बिहार में जारी सियासी उथल पुथल को लेकर आज यानी कि शनिवार का दिन खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने की चर्चा के बीच जनता दल यूनाइटेड ने रविवार को सीएम आवास पर अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। इधर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी खेमेबंदी में जुट गई है। आरजेडी ने आज दोपहर 1 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है, वहीं बीजेपी भी शाम 4 बजे पार्टी विधायकों के साथ बैठक करने वाली है। इस बीच सबसे बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से आ रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के 13 विधायकों का मोबाइल फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी और जेडीयू के संपर्क में है। कांग्रेस ने विधायकों की टूट की खबर को बेबुनियाद बताया है। कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने पार्टी के 14 विधायकों से अब तक बात की है और कोई भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। कांग्रेस के सभी विधायकों को पूर्णिया में होना है। इधर सूत्रों का कहना है कि बिहार में बदलते राजनीतिक हालात के मद्देनजर पूर्णिया में प्रस्तावित रैली रद्द हो सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब तुरुप के इक्के के तौर पर सोनिया गांधी का इस्तेमाल कर सकती है। इधर खबर है कि नीतीश कुमार से सोनिया गांधी फोन पर बात कर सकती हैं। बताते चले कि जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के पास 76 और जीतनराम मांझी की हम के पास 4 विधायक है। ऐसे में इन तीनों दलों के पास मिलाकर कुल 125 विधायक है, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़े 122 से 3 अधिक है। अगर शनिवार को होने वाले विधायक दल की बैठक में कुछ विधायक बैठक में नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के लिए भी मुश्किल हो सकती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। इस समय राजद के 79, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 12 विधायक हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।